नमस्कार। चलिए हम पेट में जलन और बदहजमी के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। 40% मरीज इन दोनों के बीच के अंतर को नहीं बता सकते, आप उनकी मदद कर सकते हैं। देखते हैं कि पेट में जलन वाले मरीज क्या कहते हैं। वो बोलते हैं कि पेट में जलन होती है, उल्टी या सिर दर्द होता है, गैस सिर पर चढ़ जाती है, सीने में जलन होती है या फिर खट्टी डकारें वगैरह वगैरह। और जो बदहजमी से पीड़ित मरीज हैं वो क्या कहते हैं। वो बोलते हैं कि खाना पचता नहीं है, पेट में भारीपन रहता है, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, पेट में मरोड़ जैसा महसूस होता है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में गैस हो जाती है, यानी मिले जुले कारण। मरीजों को पेट में जलन और बदहजमी एक साथ हो सकती है और वो एक जैसे भी लग सकते हैं, लेकिन वे परस्पर विनिमय नहीं किए जा सकते, यानी उन दोनों में आमतौर पर फर्क नहीं किया जा सकता। ये मरीज मिले जुले लक्षणों के साथ आपके पास आ सकते हैं। पेट में जलन बदहजमी का एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि बदहजमी लक्षणों का संग्रह है, लेकिन पेट में जलन का अपना भी विशिष्ट लक्षण है। दूसरी तरफ बदहजमी पेट में जलन से संबंधित नहीं है, बल्कि ज्यादातर ये मन की अवस्था और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ लगता है। अगली बार हम बदहजमी के कारणों के बारे में बात करेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।